જય જિનેન્દ્ર વેલકમ ટુ સંજીવ કપૂર ખજાના હું છું અમીશા આજે હું આપ સૌ માટે લાવી છું જૈન રેસિપીનો ખજાનો આજે આપણે બનાવી રહ્યા છે સાઉથ ઇન્ડિયન ડિશ જેમાં આપણે ચટણી બનાવી રહ્યા છે કોકોનટ ચટણી બનાવી ખૂબ જ ઈઝી છે તો આપણે એની સામગ્રી નોંધ કરીએ જેની સામગ્રીમાં આપણને લાગશે ખમણેલું નારિયેળ ગરમ કરેલું દહીં દાળિયા લીલા મરચાં स्वाद प्रमाणे मीठू वगार माटे राई वगार माटे अड़दनी दाळ कड़ी पत्ता तो चटनी बनावा माटे आपणे पहला मिक्सर लई लीए नारियलनी चटनी खूब तीखी नहीं होती एटले आपणे मरचानी अंदर खूब ओछा प्रमाण में लेशुं 2 થી 3 लीला मरचा लेशुं एनी अंदर आ दाळिया नाखी देशुं हवे आपणे आ जे खमणेलुं नारियल छे ए नाखशुं આપણે એની અંદર પાણી નથી નાખી રહ્યા દહીં નાખી રહ્યા છે જેનાથી ચટણીમાં થોડી ખટાશ પણ આવી જશે અને ચટણી ખૂબ જ ટેસ્ટી પણ લાગશે એની અંદર જ આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું પણ નાખી દેશું આપણે એની અંદર હલકો મસ્તું પાણી નાખશું अपनी चटनी थी गई है हवे आपणे पहला एने एक बाउल में काढ़ी लीए अपनी चटनी थी गई है हवे आपणे चटनीनो वगार करी लीए एनी माटे आपणे ऑइल लेशुं एनी अंदर आपणे अड़दनी दाळ नाखशुं अपनी अड़दनी दाळ हलकी मस्ती गुलाबी थी जाए एटले आपणे एनी अंदर राई नाखी दीशुं अपनी राई पण थी गई है हवे आपणे एनी अंदर आ कड़ी पत्ता नाखी दीशुं अने आ जे वगार छे आपणे चटनी ने अंदर नाखी देशुं हवे आपणे चटनी ने मिक्स कर लेशुं आपणी कोकोनट चटनी तैयार थई गई छे हवे आपणे एने सरस मजाना बाउल में सर्व कर लीए आ आपणी कोकोनट चटनी तैयार थई गई छे तो झटपट आ रेसिपी नोंध करो अने गरमागरम इडली साथे आ चटनी ने बनावो आप सबने जो हमारी रेसिपीज पसंद है तो अमरा चैनल पर सब्सक्राइब करो और अमरा साथे जोड़ाईने रहो हैप्पी कुकिंग।